हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर सब। पानी निकासी से परेशान शहर वासियों ने किया खरखुदा दिल्ली मार्ग जाम। तहसीलदार व नायब तहसीलदार के आश्वासन के बाद भी नहीं मानी शहरवासी। पानी निकासी की मांग को लेकर दिल्ली मार्ग पर रहने वाली बस्तियों के वार्ड वासियों ने एकत्रित होकर पार्षद मोहन दहिया के नेतृत्व में दिल्ली मार्ग जाम करा दिया। तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण नहीं मानी। करीब 3 घंटे बाद नगरपालिका अधिकारियों के नाला ड्रेन तक बनाने के आश्वासन के बाद जाम लगाने वाली मानी। पार्षद मोहन दहिया का कहना है कि नगरपालिका व जन स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दफ्तरों में उनके वार्ड वासियों की कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए परेशान होकर शहरवासी उग्र हुए हैं। जैसे ही मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने वाहनों को दूसरे रूटों से डाइवर्ट करा दिया। पिछले कई महीनों से सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है जिसकी बार बार शिकायत देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है, तो पार्षद मोहन दहिया के नेतृत्व में खरखुदा दिल्ली मार्ग पर शहरवासियों ने एकत्रित होकर जाम लगा दिया जिसके कारण दिल्ली जाने वाले सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले यह जाम शहर के बीच में लगाया गया जबकि कुछ देर बाद पीपली नहरों के पास जाम लगा दिया गया। करीब 3 घंटे तक जाम लगाए जाने के बाद आखिरकार नगरपालिका सचिव पवित्र कुमार के आश्वासन के बाद शहरवासी मानी। नगरपालिका ने लिखित आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाईपास के साथ साथ नया नाला बनाकर शहर के इस हिस्से के पानी को ड्रेन तक ले जाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानी का हल किया जा सके। नाले का दिल्ली रोड से लेकर बरौना रोड ड्रेन तक का बाईपास के अंदर अपनी जगह भी बच रही है, अभी 3-4 फीट की ठीक है, उसका टेंडर हो गया। हमारे एमई ने भी बोल दिया था, उसने कोऑपरेट करा था लेकिन हमारे सेक्रेटरी ने मना कर दिया। भाई साहब सॉरी बिल्कुल भाई, मैं बोल जो बोल देगा निकल हो रहा है यार। ओ लखे बोले कमिश्नर साहब के पास वहां से अप्रूव होते हैं वो नहीं नाले का नहीं भेज रहे नाले के नहीं भेज रहे ना पैसा आप दिखाओ 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 टेंडर दिखाओ लिफ्ट दिखाओ यार रुक जाएगा मैं रुक जाओ नोटिंग दिखा दो भेजियो ओडे नोटिंग सा है मैंने सारा मेरा मैं तो दफ्तर गए हूं नोटिंग सा है टेंडर वो 2 दिन पड़ गया 1 दिन गिर गया बैग गिर गया वो भी पड़ गया ये रोड बन रहा था इस वजह से इसका परमानेंट एक दिन पड़ गया रोड में तो कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा रोड मैं रविंदर सहरावत यहाँ पे सालीमार एक्यूप्रेशर का मेरा छोटा सा एक क्लिनिक है जो कि मैं आए दिन यहाँ पे पानी भरा रहता है 3 साल मुझे यहाँ काम करते हुए जो आए दिन पानी भरा रहता है यहाँ पे और तकरीबन यहाँ पे महीने में 15 दिन में एक दुर्घटना होती रहती है एक्सीडेंट होता ही रहता है यहाँ पे। एक दिन तो एक पानी वजह से एक लेडीज भी गुजर गई थी एक्सीडेंट में यहाँ पे, कई दफ़े कंप्लेंट भी कर ली लेकिन इससे कोई असर नहीं हो पा रहा है। पानी भरा हुआ है और डेंगू का मलेरिया का चिकनगुनिया का काफ़ी खतरा फैला हुआ है यहाँ पे। पेशेंट आते हैं देख के वापस चले जाते हैं, इतना पानी भर के आ नहीं पाते क्योंकि पैदल आने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, इस करके बड़ी परेशानी हो रही है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।